मिश्र धातु को। तो मिश्र धातु क्या है, एलॉयज क्या है, इसे याद रखने के लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। देखो, x प्लस वाई मेक्स जेड, जहां पर x क्या है, थोड़ा समझे इसे, लिखिए मत, ये क्या है आपका मेटल है, ये क्या है आपका मेटल है, ठीक। तो मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल मेक्स द एलॉयज, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता, मिश्र धातु, धातु का मिश्रण। तो मिक्सिंग ऑफ टू मेटल एंड मोर देन और टू मोर देन टू मेटल्स मेक्स द एलॉयज। तो क्या यहां पे हम नॉन मेटल यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो इसे कैसे हम समझेंगे कि अगर x प्लस वाई क्या है आपका मेटल है, हो सकता है मैं मान लो q नाम का नॉन मेटल भी यूज कर सकता हूं, नॉन मेटल भी यूज कर सकता हूं, तो भी क्या बना, z बना, ठीक है। आगे डेफिनेशन आएगा, चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करें, समझें। तो दो या दो से अधिक धातु अथवा किसी अधातु की के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिक्सिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और एनी नॉन मेटल मेक्स द एलॉयज। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझनी है, देखें यह कंसेप्ट क्या है कि अगर इसका एग्जाम्पल रखा जाए, तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील का देखते हैं क्या है इसका कॉम्पोजिशन, आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्या है क्रोमियम, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, आयरन निकल क्रोमियम सब डी ब्लॉक वाले हैं, और डी ब्लॉक वाले ही क्या बनाते हैं आपके एलॉयज बनाते हैं। तो सेकंड क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलॉयज फॉर्म करते हैं, एलॉयज बनाते हैं। और पहला वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि केवल मेटल के मिक्सचर को ही हमेशा मिश्र धातु नहीं कहते, एलॉयज नहीं कहते, इन जनरली 99% केस में क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स को ही हम एलॉयज कहेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि इसमें नॉन मेटल नहीं मिला सकते। अभी देखो यहां मिला हुआ है कार्बन, कार्बन तो पी ब्लॉक वाला है और वो तो नॉन मेटल है, क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटल तीनों मिलते हैं। याद करिए कार्बन फैमिली कौन सी, गीता स्नेहा प्रभा वाला निमोनिक्स, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, बाकी रेस्ट आर मेटल है। तो ये तो प्रूफ ही हो गया कि मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स और एनी नॉन मेटल मिक्स द एलॉयज, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से लाइक हम देखते हैं, या किसी अन्य धातु अन्य अधातु के मिश्रण से क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। अब यहां पर तीसरा पॉइंट समझते हैं कि हम एलॉयज बनाते क्यों हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों है ऐसा कि हम एलॉयज बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती, गुण धर्म चेंज हो जाते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो सीधा आप लिख लेना, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, लाइक इनके गुण धर्म बदल जाते हैं, घटेगा बढ़ेगा भी सब चीजें, चार पांच पॉइंट बताऊंगा। पहले यहां पर तीन चीजों को देखें आप, इसमें पहला पॉइंट को मैं दोबारा यहां पे बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि एक और कंक्लूजन निकलेगा, थोड़ा समझें। एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे कि आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास मतलब क्या होता है, कांसा या पीतल, पीतल, कैसे याद रखे, ऐसे याद रखो, ओलंपिक का मेडल होता ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। कई बार ब्रास एंड ब्रॉन्ज में ही हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो यह है कांसा। अब छत्तीसगढ़ में तो ट्रेडिशनली कांसे की थाली में खाई जाती है और पीतल की गिलास में पानी भी पिया जाता था, भले पीतल गायब थोड़ा हो गया लेकिन कांसा तो अभी भी यूज हो रहा है। अब यहां पर थोड़ा एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं हम यहां पर, कि अगर हम कांसे या पीतल का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इसमें कॉपर क्या है, दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉपर कॉमन होता है। इसके एस को कीवर्ड ले लो,
इसके जेड को कीवर्ड ले लीजिए, जो कीवर्ड होगा उसका जस्ट अपोजिट लिखना है। यहां एस है तो एस का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट एस। अभी निमोनिक्स भी बताऊंगा आगे, फिलहाल यहां पर मैं कुछ और बातें बताने वाला हूं। तो एस का कीवर्ड है यहां पर जिंक और जेड का कीवर्ड है यहां पर टिन। अब थोड़ा सोचिए भाई, रिवर्स गियर लगाइए। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या था? सिल्वर। सेकेंड नंबर में क्या था? कॉपर था। तो कॉपर जो है आफ्टर सिल्वर सेकेंड बेस्ट टाइप का क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है चालक है विद्युत का। लेकिन जैसे ही क्या होता है, पीतल बनता है यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स यानी कि एलॉयज बनता है, कौन कौन सा? ब्रास एंड ब्रॉन्ज यानी पीतल और कांसा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर बन जाते हैं। तो इनका प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि नहीं, इनके गुणधर्म चेंज हो गए कि नहीं? ठीक है, आप यहां पर इस बात को थोड़ा समझे, इसमें भी ये पॉइंट को भी देखो। सामान्य लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे स्टील बन जाता है इसकी क्वालिटी 500 डिग्री सेल्सियस आसपास हो जाती है। यहां पर प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट ड्रेस्टिकली काफी बढ़ गया, गलनांक अति उच्च हो गया। इसीलिए क्या है, हमने वहां भी पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्टर के जो चेंबर बनाते हैं, परिरक्षक या शील्ड बनाते हैं, तो उसमें भी हम स्टील का यूज करते हैं क्योंकि हीट रेजिस्टिंग पावर काफी ज्यादा है। और इसी कारण मैंने आप लोगों को बताया कि यूटेंसिल या बर्तन में सबसे बेस्ट क्या होता है? स्टील का होता है, जिसमें कि आप एक बार खरीद लो, एक तो क्या है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, दूसरा वो लॉन्ग रन में आप यूज कर सकते हैं। अभी खरीदेंगे 20 इयर्स तक यूज करके थक जाएंगे, लेकिन वो टूटेगा नहीं, प्रोवाइडेड कि वो सही स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो। तो अब मैं यहां पर इनके क्या प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, तो चार पांच महत्वपूर्ण चीजें चेंज होती हैं, इनको यहां पर लिखना है, तो मैं अगले स्लाइड में लेकर चलता हूं। अच्छा, यहां पर अगले स्लाइड में आप लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज जो बदल जाते हैं, तो यहां पर एटलीस्ट चार चीजें तो लिखना है, कौन कौन से गुणधर्म बदल जाते हैं, यानी कि यहां पर गुण जो बदल जाते हैं। ठीक है, पहला इसका स्ट्रेंथ, ठीक है, इसमें लिखना इसकी सामर्थ्यता, सामर्थ्यता या फिर कहा जाए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ठीक है, चेंज हो जाती है लिखना ताकि आपको दिक्कत ना हो कि वो बदल घट रही है बढ़ रही है समथिंग। इनकी सामर्थ्य स्ट्रेंथ तो जनरली बढ़ जाती है, जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसी में मान लो थोड़ा ब्रिटल नेचर है, थोड़ा भंगूरपन है, हालांकि मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, भंगूर नहीं होते, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मान लो कि उसका जो है ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो एलॉयस मिला दिए यानी दूसरा मेटल मिला दिया, नॉन मेटल मिला दिए, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक पॉइंट ये लिखेंगे, दूसरा इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बदल जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सभी धातुएं विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन जैसे हम एलॉयज बनाते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो आप कंडक्टर बने। तो यहां पर लिखेंगे अगला इसकी चालकता, चालकता या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। नाउ यहां पर इसमें लिखना इनकी कठोरता या सॉलिडिटी, इसकी कठोरता, सॉलिडिटी या सॉलिडनेस इसमें कहेंगे, क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, या फिर चाहो तो लिखो चेंज हो जाएगी भी लिख सकते हो, चेंज हो जाएगी भी लिख सकते हो। अब अगर इतना पॉइंट आपने जान लिया कि ये प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रहे हैं, इसके बेस पे इन्हीं पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। देखो आप लोगों को पास्ट ईयर के पेपर में प्रश्न कैसे पूछे गए, मैं बता देता हूं कि व्हाट इज एलॉयज, राइट टू एलॉयज ऑफ टू
alloys of aluminium, ऐसा करके दे दिया है, या टू alloys of copper, टू alloys of carbon, iron, या टू alloys of different कोई भी metal का नाम दे दिया है। मिश्र धातु क्या है, एल्यूमिनियम के दो एलॉयस का नाम लिखिए, मिश्र धातु का नाम लिखिए, कॉपर के दो मिश्र धातु का नाम लिखिए, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप लिखते कि मिक्सचर ऑफ या मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स और एनी नॉन मेटल मेक्स द एलॉयस, ठीक है, ऐसा करके लिखे और विदाउट एग्जाम्पल अगर लिखे उसे, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये दो नंबर आएगा तो आपके एलॉयस के डेफिनेशन के साथ साथ नीचे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एटलीस्ट टू एग्जाम्पल। अब डायरेक्टली दो पूछा है तो दो तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं भी पूछा है तो दो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अभी 20 आपको लर्न करवाऊंगा, आपको वो प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मेंस के लिए भी होगा। अब अगला पॉइंट समझे, जब भी क्या होगा, एक्स प्लस वाई मिलकर जेड बनाएगा, एक्स प्लस वाई मिलकर जेड बनाएगा, तो जो एलॉयस जेड बना है ये क्या है, एलॉयस है, और ये एलॉयस की प्रॉपर्टीज उनके इंग्रेडिएंट मेटल्स के प्रॉपर्टी से मिसमैच करेगी, यानी डिफरेंट होगा। क्या कहा मैंने कि मिश्र धातु के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। The properties of alloys is different from the ingredient metals of that alloys. क्या ये बात क्लियर हुई? जैसे अभी तो देखे थे कॉपर उधर कंडक्टर था, इधर देखते हैं ब्रास ब्रॉन्ज बना तो नॉन कंडक्टर बन गया। उधर नॉर्मल लोहा क्या मेटल है, जैसे कि उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस था, जैसे उसमें क्या मिक्सिंग किए तो वो क्या बन गया, लाइक उसका स्टील बन गया। मान लो निकिल क्रोमियम आयरन वगैरह, निकिल क्रोमियम कार्बन मिला दिए तो स्टेनलेस स्टील बन गया, उसका 5000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो हम यही पॉइंट को कह रहे हैं कि इंग्रेडिएंट के प्रॉपर्टीज जो है अलग होंगे और एलॉयज के प्रॉपर्टी अलग होंगे, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलॉयज बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग। अब नाउ राइट डाउन, नोट डाउन दी डिफरेंट मेजर एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज। एलॉयज को अब यहां पे लर्न करेंगे, मैं एक ब्लैक स्लाइड ले लेता हूं ताकि आपको यहां पर समझने में दिक्कत ना हो, और इसे आप लोग केयरफुली समझना अगले 20 मिनट्स तक, बिल्कुल फोकस करके कंसंट्रेट करते हुए समझना। जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं सेम सीक्वेंस आपको लिखना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट एलॉयज, इंपॉर्टेंट एलॉयज या महत्वपूर्ण मिश्र धातु। आप इसे स्टार कर लीजिएगा, 100% श्योर यहां से प्रश्न प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, 100% 99 भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप इसकी ग्रेविटी को समझ पाएंगे जब इसे फिनिश हम कर रहे होंगे। तो चले आप लोग क्या लिखना है यहां पर, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या लिखते चलना, एलॉयज के नाम, और राइट साइड में क्या लिखेंगे, किसका मतलब किसका कॉम्पोजिशन है, लाइक किससे मिलके बना है। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले लिखता हूं ब्रास, दूसरे में लिखता हूं ब्रॉन्ज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलेंगे यहां पर, जिनको हिंदी मीडियम वाले उनके लिए है ना, हम कहेंगे पीतल और यहां पर कांसा। ठीक, अब इसका थोड़ा समझे कीवर्ड। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, इसे हमेशा पेयर में याद रखना, हमेशा कांसा और पीतल को अलग मत करना, एक ही जगह ही लिखना। तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज में आप लोगों को मैंने बताया दोनों में कॉपर क्या होता है, कॉमन होता है, तो कॉपर के कॉपर एजिट उतार दिए। अब चीजें समझे, मैंने कीवर्ड बताने का प्रयास किया था कि ब्रास का एस कीवर्ड ले लो और ब्रॉन्ज का जेड कीवर्ड ले लो। हम लास्ट या सेकंड लास्ट को जनरली कीवर्ड लेते हैं या स्टार्टिंग वाले को कीवर्ड लेते हैं, इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए है ना। तो यहां पर हम कीवर्ड ले लिए जेड, इधर कीवर्ड ले लिए एस, तो एस एस का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट एस है कि नहीं। अगर आपको ब्रास का एस दिख गया तो कॉपर तो कॉमन है भाई, तो एस का अपोजिट सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सीधा जिंक लिख देंगे। ठीक,
और अगर Z दिखा, ब्रॉन्ज का Z दिखा, तो कॉपर तो कॉमन रहेगा, तो सीधा सीधा टेन लिख दिए, खत्म। ठीक, अच्छा अब यहां पर समझे, अब इसको क्या कर दो आप लोग, जोड़ दो। जोड़ने पर क्या मिला देखो, इधर लिख के देखो, कॉपर मिला, कॉपर का कॉपर उतार दिए, फिर जिंक लिख दो, उसके बाद क्या लिखो, टिन लिख दो। अब ये क्या बन गया, गन मेटल बन गया, ये क्या बन गया, गन मेटल बन गया। ठीक है, चलो अब एक और यहां पर बात समझें, आप यहां पर क्या करें, देखो इधर देखो, कॉपर प्लस जिंक एक बार और लिख दीजिए, और एक बार लिख दीजिए, मतलब दो बार आपने कॉपर प्लस जिंक लिख दिया, और उसके बाद हमने प्लस कर दिया। अब थोड़ा सुनिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट, आखिरी में क्या देख रहे हैं, गन मेटल में कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन देख रहे हैं। आप इसको पकड़िए, आखिरी वाले को, इस SN को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, नी के साथ, नी मतलब निकल, और जर्मनी, तो जर्मन सिल्वर, तो चाहो तो आप लोग जर्मनी सिल्वर भी लिख सकते हो या जर्मन सिल्वर भी लिख सकते हो। तो जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। क्या ये बातें क्लियर हुई, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, हमने क्या किया, आखिरी को रिप्लेस कर दिया बाय नी यानी निकल के साथ। ठीक, नाउ इस बार फिर से आखिरी वाले को पकड़िए, अब इसे फिर से रिप्लेस करिए, इस बार किसके साथ रिप्लेस करेंगे इसे, इस बार फे के साथ रिप्लेस करेंगे, फे मतलब आयरन, तो इसे क्या बनेगा, डे, डेल्टा मेटल। ये निमोनिक्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, आप थोड़ा इस सीक्वेंस को समझें। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर से देखें, जो बताया था पांच चीजें, आपको बिल्कुल एक कीवर्ड पकड़े और आपने पूरा धागा खोलते गए, पांच चीजें लर्न हो गई, अभी चार चीजें और लर्न हो जाएगी, देखना विद इन टू मिनट पांच चीजें, चार चीजें और लर्न हो जाएगी। थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, पहले ब्रास एंड ब्रॉन्ज लिखेंगे, और आप लोग देखो ब्रॉन्ज को ऊपर लिख दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो कैसे याद रखना, ब्रास का एस पहले आता है, जेड पहले आता है, एस पहले आता है ना, तो ब्रास को हमेशा ऊपर लिखना, फिर नीचे ब्रॉन्ज को लिखना। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि कॉपर के कॉपर मैच कर लो, मतलब कॉमन रहता है, लिख दो चुपचाप। इसके बाद एस कीवर्ड ले लो, जेड कीवर्ड ले लो, तो जस्ट अपोजिट कीवर्ड ले लिया, एस है तो जेड और जेड है तो एस लिख दिए, टेल लिख दिए। ठीक, अब चुपचाप क्या करें, इसे उतार दीजिए, जस्ट उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक जोड़ देंगे तो कॉपर का कॉपर लिख दिया हमने, फिर जिंक को लिख दिया, फिर टिन को लिख दिया। अब ये बन गया क्या, गन मेटल बन गया। बंदूक की गोली किससे बनती, गन मेटल से। बारूद किससे, लाइक कहने चाहिए, अभी इसके जो है यूसेज बताऊंगा, तोप में यूज किया जाता है, बेरिंग में यूज किया जाता है ये गन मेटल को। ठीक है, गियर बनाने में भी यूज किया जाता है। खैर, यहां पर कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन बन गया। नाउ फोकस ऑन लास्ट एलिमेंट, लास्ट मेटल को देखिए, टिन को रिप्लेस कर दो। पहले CuZn तीन बार लिख लिया आपने, मतलब दो बार लिख दिया, एक बार तो लिखा ही हुआ था। लास्ट वाले टिन को हमने रिप्लेस कर दिया नी के साथ, तो जर्मनी हो गया। और उसके बाद देखते हैं कि इस जर्मन सिल्वर बनने के बाद निकेल को इस बार पकड़िए, उसे रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, फे के साथ, तो डेल्टा मेटल बन गया। क्या ये बातें क्लियर हुई सभी को। अब आप इनिशियल पॉइंट पर फिर जाइए, कहां से स्टार्ट किए थे, ऊपर से स्टार्ट किए थे। अब इसको यहां पर देखें, अगर ब्रास को देखें तो 70% क्या होता है, कॉपर, तो बचा कितना हो जाएगा, 30%। 70% कॉपर और 30% जिंक को हम ब्रास कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, इस प्रकार दो ब्रांच निकालनी है, दो ब्रांच निकालनी है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव करेंगे, इसमें नेगेटिव करेंगे, कितना, 10 का 70 में 10 बढ़ा दोगे तो कितना बनेगा, 80 बनेगा। तो पहले इसे क्या लिख लो, देखो सब में क्या होगा, कॉपर प्लस जिंक, इधर भी लिखो, इधर भी नीचे वाला इसी से ब्रांच निकला है, तो यहां पर कॉपर प्लस जिंक लिख दिए, लिख दिए। अब घटाइए 10 और बढ़ाइए 10, पहले में पॉजिटिव कर दिए तो क्या हो जाएगा, 70 में 10 बढ़ा दोगे तो 80 बन गया, तो बच्चा कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अगर 70 में 10 घटा दोगे तो क्या बनेगा, कितना बनेगा, 60, तो बच्चा चीज 40% बन गया भाई, दो नया एलॉयस, दो एलॉयस बन गया भाई।
ठीक है, क्या है अभी मैं समझाता हूं। सेम चीजें इसके साथ करिए, इसके साथ करिए। यहां पर आप लोगों को समझनी है कि 90% कॉपर और तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 10%। यहां पर 10% कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइक टिन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, इसके भी ब्रांचेस निकालिए, ऐसे दो ब्रांचेस निकालिए और इसमें भी लिख दोगी क्या है कॉपर प्लस टिन और यहां पर भी लिख दो कॉपर प्लस टिन। हां, अब देखिए यहां पर जब बात करते हैं कि 90% और 10%, तो इसमें 10 बढ़ाओगे या 10 घटाने वाला सिस्टम होगा। अगर हम 10 बढ़ाते हैं तो 90 से तो 100 हो जाएगा, तो 10 नहीं बढ़ा पाएंगे, तो 5 बढ़ाओ। तो क्या करेंगे इधर, क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका 95% हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। यहां पर थोड़ा लिखो, इसको कहेंगे, इसे हम 4% बढ़ाएंगे तो 1% बच गया, तो इसमें कह देंगे 1%। ठीक ठीक, हाँ, पी मतलब फास्फोरस। ठीक, अच्छा यहां पर देखिए, अगर 10 घटाओगे तो कितना बन जाएगा भाई 80, तो बचा चीज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां पर सुनिए, मंदिर में घंटी बजा के आए हैं, मंडे का दिन है, बेल मेटल क्या है, नीचे वाला बेल मेटल है, बेल मेटल क्या है, ये है मंदिर की घंटी की जो आवाज आती है ना, या घर में पूजा करते हो तो छोटी घंटी होती है, वो क्या बेल मेटल है, इसलिए विशेष एक डिफरेंट जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या स्कूल्स में भी जो घंटी वगैरह होती है, एक तो लोहे वाली होती है, एक दूसरा क्या बेल मेटल वाला भी होता है, इसलिए क्या डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है ये बेल मेटल, घंटी के लिए पर्टिकुलरली। अच्छा इधर देखो, यहां पर दूसरा में इस तरफ में देखेंगे तो ये क्या होगा करेंसी मेटल, करेंसी मेटल यानी सिक्का धातु, कॉइन्स जो बनते हैं 10 रुपए का कॉइन देखे हो ना, क्या है करेंसी मेटल वही है। तो इसे लिखोगे आप सिक्का धातु, सिक्का धातु, या फिर कहा जाए करेंसी मेटल, करेंसी मेटल। ठीक है, अच्छा ऊपर चलें भाई, ऊपर चलें, इसमें देखेंगे डच मेटल, डच मेटल। ठीक है, और इसमें लिखेंगे मुंज मेटल, इसमें लिखेंगे मुंज मेटल, डच मेटल के बाद इसमें लिखेंगे मुंज मेटल। तो अब देखेंगे कहां पर दिक्कत हुई भाई, 5, 4, 9, मेरे ख्याल से 9 मेटल 9 एलॉयस आपको थोड़ा लॉजिकली समझ आया होगा कि कैसे मिक्सिंग से अलग अलग चीजें बना रहे हैं। लिख लो जल्दी, और इसी सीक्वेंस में लिखना, अभी हमको 19 तक पहुंचना है, 19 तक पहुंचनी है हमको। अब अगर ये याद हो गया तो मैं आगे जाता हूं जोन नंबर 2 में। जोन 1 खत्म हो गया, एक ही धागे से हमने स्टार्ट किया था, धागे को खोलते चले गए और डिफरेंट टाइप के एलॉयस बनते चले गए। अब सेकेंड जोन में आएंगे तो हमको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, दो दो का पेयर बनाना है, तो दो तीन तीन पेयर बनाएंगे तो 6 ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो 9, 6, 15 ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर आप इस चीज को थोड़ा रिवाइज कर लें भाई, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। तो देखो 70-30 तो क्या है ब्रास या पीतल, 10 बढ़ा दिए 10 घटा दिए, 10 बढ़ा दिए तो 80 बचा, तो रेस्ट तो 20 ही होगा, 10 घटा दिए तो 60 हुआ, 70 में 10 घटा दोगे तो 60 नहीं होगा, तो 60 हो गया, तो बचा हुआ पार्ट 40 हो गया। तो यहां पर देखते हैं डच मेटल बन गया, इधर बन गया मुंज मेटल। ठीक, सिमिलरली यहां पर 90-10 होता है, जिसके कॉम्बिनेशन को ब्रॉन्ज कहते हैं, इसमें 10 बढ़ाएंगे 10 घटाएंगे, लेकिन जैसे ही 10 बढ़ाएंगे तो 100 का कोरम तो पूरा हो जाएगा, इसलिए हम 10 बढ़ा नहीं सकते। तो कितना बढ़ाएंगे 95 + 4 + 1, यानी कि 5 बढ़ाएंगे, फिर बचा हुआ 4% क्या टिन होगा, और एडिशनली हम फास्फोरस को ऐड करते हैं, और इस प्रकार करेंसी मेटल या सिक्का धातु बन जाएगा। अब यहां पर 10 जब डिक्रीज करेंगे तो 90 में 10 घटाओगे तो क्या 80, तो रेस्ट पार्ट कितना बचाएगा 20,
और इस प्रकार यहां पर देखते हैं बेल मेटल बन गया। इज इट डन? ठीक, आगे बढ़े, सभी को क्लियर है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। ठीक, अच्छा अब सेकेंड जोन में चलते हैं, तो हमको पेयर बनाना है, पेयर बनाना है सेकेंड जोन में। तो पहला पेयर यहां पर बनाएंगे, देखो इमेजिन करिए निकू और मोनू दोनों ब्रदर हैं। ठीक है, वैसे निकू मोनू की बात करेंगे तो निकू, तो निकू से क्या बना? मोनू, यानी कि मोनल मेटल बना। क्या बना? मोनल मेटल। ठीक, निकू को बदल दो, इंटरचेंज कर लो पोजीशन को, तो क्या बन जाएगा? क्यू नी बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा क्यू नी। तो क्यों नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्स्टेंटन बन जाएगा, कॉन्स्टेंटन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन बन जाएगा, फ्यूज स्टार जिससे बनाया जाता है। ठीक, हमने क्या किया? पेयर पेयर लर्न करने का प्रयास किया। दूसरा पेयर को यहां बनाएंगे, एक्चुअल में दूसरा पेयर से तीन चीजें निकलेगा, पेयर नहीं कहेंगे, ट्रिपलेट है वो। देखो आप लोग टाका या सोल्डर जानते हो, सोल्डिंग करते हैं जिसे, तुरंत क्या इलेक्ट्रीशियन ये जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, सर्किट जहां पे क्या होगा, टूट गया होगा तो सोल्डिंग करते हैं, जोड़ देते हैं उसे। तो यहां पर सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, या टाका, तो यहां पर याद रखना Sn प्लस Pb, Sn प्लस Pb क्या हुआ? Sn प्लस Pb ये क्या होगा? इसे कहते हैं टाका या शोल्डर, शोल्डर। ठीक है, शोल्डर इंग्लिश नाम है, SOLDER, टाका हिंदी नाम है, हालांकि टाका इंग्लिश में भी कहीं भी दिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या करो, एसिटीज उतार दो, Sn प्लस Pb फिर से लिख दीजिए, Sn प्लस Pb फिर से लिख दीजिए। और यहां पर मैं एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बताता हूं कि अगर हमको रोज खरीदना है तो हम क्या कहेंगे? रोज बाय करना है। तो आप क्या करोगे? रोज मेटल। रोज मेटल क्या है? रोज मेटल को, मतलब रोज को बाय किया जाता है, तो यहां पे क्या जोड़ दोगे? बिस्मथ। ठीक है, रोज बाय करना मतलब, रोज बाय करना मतलब क्या हो गया? रोज मेटल हो गया, बिस्मथ। Sn प्लस Pb तो ऐसे ही उतारे थे ऊपर से। ठीक है, समझ में आया? अच्छा एक बार और लिखो, Sn प्लस Pb और लिखो, ट्रिपलेट है बताया मैंने इसे, तो फिर से Sn प्लस Pb लिख दो। और इस बार क्या करो, इसमें लिखना टाइप मेटल, सब टाइप, सब मतलब Sb मतलब एंटीमनी, Sb प्लस Sn प्लस Pb इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका टाइप मेटल हो गया। सब टाइप ऐसे याद रख लेना। और अच्छी बात क्या है, टाइप मेटल क्या यूज किया जाता है? जितने भी प्रिंटिंग काम होते हैं, प्रिंटिंग मशीनरी या प्रिंटिंग जो डिवाइसेस होते हैं ना, सब में ये टाइप मेटल से बने होते हैं, टंकड़ बोलते हैं ना हिंदी में, तो यहां पर समझें कि टाइप मेटल। तो दूसरा वाला जो हम देखे हैं ट्रिपलेट था, तो थोड़ा ये पेयर्स को मैं दोबारा बता दे रहा हूं। देखो निकू मोनू ब्रदर हैं, तो निकू तो मोनू मतलब मोनल मेटल बन गया, उसको पलट दीजिए क्यों नहीं तो हम कहेंगे कॉन्स्टेंटन बन गया। ठीक, उसके बाद मैंने कहा Sn प्लस Pb इज इक्वल टू टाका या सोल्डर, तो हम उसमें क्या कर देंगे, एज इट इज दो बार उतार देंगे। अगर शुरू में हम बिस्मथ जोड़ देंगे तो रोज बाय करना, यानी कि रोज बाय मतलब रोज मेटल। इसके बाद हम इस बिस्मथ के जगह Sb जोड़ दिए, एंटीमनी जोड़ दिए, तो टाइप मेटल, तो Sb सब टाइप, इस प्रकार लिख देना। तो ब्रैकेट में कीवर्ड लिख लो, रोज बाय करना, सब टाइप करना, इस टाइप का। ठीक, तो अब देखते हैं 5, 4, 9, 9, 5, 14 चीजें याद हो गई। अब तीसरा पेयर देखते हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ें, यस और नो? ठीक, चलो अगला हम देखते हैं, अगला आप लोग एक जानते हो, अगला पेयर को बड़ी आसानी से इसे बना सकते हो,
इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, मैग्नीलियम। एक अगला है मैग्नीलियम, तो मैग्ने से क्या आया भाई, मैग्नीशियम आया, लियम से क्या आया, एल्यूमिनियम आया, तो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम लिखा हुआ, मैग्नी मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, तो यहां पर लियम वर्ड आया तो ये आ गया मैग्नीलियम। ठीक, पहला चीज हो गया। दूसरा इसका जोड़ा क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा हो जाएगा कि आप एज इट इज लिख दो यहां पर मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, ऐसा एज इट इज लिख दो, तब तो पेयर होगा ना, क्योंकि उसके साथ मैचिंग होगा। अब इसमें क्या करो आप लोग, क्यूमिन का तड़का लगा दो। किसका, क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा। ठीक है, जीरा का तड़का कहां लगाएंगे, कुकर में, दाल फ्राई करते समय। तो दाल फ्राई करते समय हम कुकर यूज करते हैं जनरली, या कुकर से ही दाल बनती है, तो आप यहां पर दाल और कुकर को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यूमिन को क्यों इंट्रोड्यूस है, उसके पीछे लॉजिक है। प्रेशर कुकर जो होते हैं उसकी बॉडी आपको लगेगा वो एल्यूमिनियम है, लेकिन एक्चुअल में ड्यूरेल्यूमिन से बना होता है। एरोप्लेन की बॉडी क्या होती है, ड्यूरेल्यूमिन से बना होता है, मैग्नीलियम से बना होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, मतलब स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, दूसरा वो लाइट वेट भी है। पुराने समय के प्रेस्टीज और लाइक यूनाइटेड प्रेशर कुकर को थोड़ा याद करो, आजकल तो वैरायटी ऑफ फैंसी टाइप के कुकर्स आ चुके हैं, लेकिन पुराने कुकर्स भी अगर होंगे, मम्मी बता सकेंगी उसे, तो वो देखेंगे बताएंगे कि वो काफी ज्यादा वो लाइट वेट होता था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था, मतलब स्ट्रेंथ बहुत होती थी। तो यहां पर क्यूमिन का तड़का लगा लो, तो क्यूमिन लगा दिए, तो क्या बन गया भाई, ड्यूरेल्यूमिन बन गया। क्या बना, ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेल्यूमिन, समझ में आया। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम एज इट इज हमने उतार दिया था, और उसमें हमने क्या कर दिया, सिर्फ क्यूमिन का तड़का लगा दिया था, ड्यूरेल्यूमिन बन गया। क्या ये बात है, सबको समझ में आई। ठीक, अब तीन पेयर खत्म, तो यहां पर 16 हो चुके हैं। अब कुछ सिंगल सिंगल वाले हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें, एक पेयर ही है एटलीस्ट, ये भी थोड़ा देखो, आप लोग सुने हो लाइक एल निको का नाम, एल निको, एल निको किससे मिलके बना होता है, एल से क्या आया, एल्यूमिनियम, नी से क्या आया, निकल, को से क्या आया, कोबाल्ट, हो गया भाई एल निको, उसी में आंसर छुपा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये तीनों क्या है 50% होंगे, तो रेस्ट 50% क्या होगा, स्टील होगा। स्टील किससे मिलके बना होगा, मतलब एल्निको किससे मिलके बना होगा कहा जाए, तो एल्निको इज कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट, और यहां पर बचा हुआ 50% क्या होगा, स्टील होगा, स्टील। ठीक है, समझ में आया। स्टील किससे मिलके बना होता है, आयरन प्लस कार्बन, यहां पर हम बात कर लेते हैं। स्टील अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि आयरन प्लस क्या होगा, कार्बन, और कार्बन का परसेंट कम से कम क्या है 0.5% से ऊपर होना चाहिए या 2% से नीचे होना चाहिए, मोटा मोटा कहो तो 1-2% समझ लो, यानी बिलो 2% कार्बन का परसेंटेज होना चाहिए। बाकी आप देखते हैं 98% प्लस जो है आपका क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, स्टील है। स्टेनलेस स्टील नहीं कह रहा हूं, स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे जब हम, तो यहां पर लिखेंगे, इधर देखो, आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब अगला पॉइंट लिखेंगे यहां पर, आप लोग सुने हो नाइक्रोम, नाइक्रोम का नाम सुने हो, इसमें भी आंसर छुपा है, एलिनिको में आंसर छुपा था ना उसके इंग्रेडिएंट का नाम, वैसे नाइक्रोम में छुपा हुआ, देखो ना ई क्रोमा, इधर देखो ना से क्या आया, निकल, आयरन, आयरन ई वर्ड आया ना, आयरन, तो यहां पर हम कहेंगे एफी, क्रो से क्या है, क्रोमियम, मा से क्या हो गया, मैग्नीज। नाइक्रोम इसी से मिलके बना होता है। अब देखो ये मेजोरिटी यही होता है, आपको हो सकता है नोट्स में थोड़ा बहुत कार्बन आर्बन ये सब भी दिख जाए, फॉरगेट इट,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होगी। इन जनरली मेजर इंग्रेडिएंट यही है। क्या ये बात है सबको समझ में आई? ना ई क्रोम तो निकल, आयरन तो ई तो एफ ई, और यहां पर हम कहेंगे क्रोम, और यहां पर म से क्या है मैग्नीज। इस प्रकार आप देखते हैं कि इतने प्रकार की चीजें मिली। मेरे ख्याल से क्विक रिविजन में करा देता हूं विद इन 2 से 3 मिनट। थोड़ा शुरू से देखिए, है ना, बिना देखे इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलो आप लोग बस ऑब्जर्व करते चलना, फिर इसका मैं एप्लीकेशन बता दूंगा। सबसे पहले ब्रास एंड ब्रॉन्ज लिखिए, एस कीवर्ड ले लीजिए और जेड कीवर्ड ले लीजिए। कॉपर का कॉपर कॉमन उतार दीजिए, एस का अपोजिट जिंक और जिंक का जेड का अपोजिट एसएन कर दिए, और इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रास एंड ब्रॉन्ज बन गया। देन आप इसे जोड़ देते हैं, तो कॉपर का कॉपर उतार दीजिए, फिर जिंक लिख दीजिए, फिर क्या है टिन लिख दीजिए। तो हमने जब इसे लिखा तो यह बन गया गन मेटल। आखिरी वाले टिन को हम कीवर्ड लेते हैं, मतलब इसे पकड़ते हैं और उसे हम रिप्लेस करते चलते हैं। बाकी एज इट इज उतार दीजिए, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। ठीक, तो यहां पर टिन को रिप्लेस कर दिए नी के साथ, तो जर्मनी, जर्मन सिल्वर, जर्मनी सिल्वर भी याद रख सकते हैं आप। और अगर इस नी को रिप्लेस कर देंगे फे, तो डे मतलब डेल्टा से डेल्टा मेटल। क्लियर हुआ? अब अपने 5 चीजों को लर्न करने के बाद इसके इनिशियल पॉइंट में जाइए। अगर 70-30 क्या है कॉपर जिंक है, तो 10 बढ़ाइए 10 घटाइए, 10 बढ़ाते हैं तो 80-20 बन जाता है, तो उस केस में वो डच मेटल बन गया, और 10 घटाते हैं 70 में तो 60 बन गया, तो रेस्ट पार्ट क्या 40 ही होगा। तो इस प्रकार देखते हैं वो मुंज मेटल बन गया। ठीक, नाउ फोकस ऑन दिस ब्रॉन्ज सेकेंड में कि 90% और 10%, 90 अगर होगा ब्रॉन्ज कॉपर और 10 होगा टिन, तो उसमें 10 नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 10 बढ़ाओगे तो 100 का कोरम पूरा हो जाएगा। सो दैट कि हम केवल 5 बढ़ाते हैं, और उसके बाद बचा हुआ चीज 4 और 1 में तोड़ देते हैं, 4% टिन और 1% फॉस्फोरस मिला देते हैं, तो करेंसी मेटल या सिक्का धातु बन जाता है। अगर इसमें 10 घटाते हैं तो 10 घटाते हैं तो 90 में 10 घटाओगे तो 80 बन जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट 20 हो गया, तो 80-20 क्या हो गया बेल मेटल हो गया, जो मंदिरों की घंटी में यूज किए जाते हैं बनाने में। अब यहां पर हमने देखा कि 5, 4, 9 आपको एलॉयज याद हुआ। अब हम 3 पेयर्स बनाते हैं, जिसमें कि हम पहला पेयर में देख रहे हैं कि यहां पर निकू और मोनो, निकू निकल कॉपर से मिल गया मोनल मेटल, उसे पलट दीजिए क्यों नहीं बन गया, तो क्यों नहीं कॉपर निकल, तो यहां पर कॉन्स्टेंटन बन गया। याद रखना इसमें निकल का पहले नाम है ना, तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा और इसका कम होगा। सिमिलरली कॉपर का परसेंटेज इधर पहले नंबर में है तो ज्यादा होगा और कम परसेंटेज क्या निकल होगा। देखो परसेंटेज में चेंज करने पर कितने सारे प्रोडक्ट चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पेयर एक्चुअल में ट्रिपलेट है कि SN प्लस PB इज इक्वल टू क्या है टाका या सोल्डर, जिसमें कि हमने यहां पर SN PB लिख दिया। नाउ इसके शुरुआत में हम क्या कर देते हैं, आप SN PB 2 times और लिख लीजिए। ठीक है, इट विल टेक 1 मिनट, तो आप लिख लीजिए। अगर हम रोज बाई करते हैं तो रोज मेटल बनाने के लिए हम इसमें बाई जोड़ देते हैं, बिस्मथ जोड़ देते हैं, और अगर हम सब टाइप कहेंगे तो SN PB में सब जोड़ देते हैं, सब मतलब एंटीमनी SB जोड़ दिए, तो इस प्रकार टाइप मेटल बन गया। ठीक, अब आते हैं अगले पेयर्स में। अगले पेयर्स में मैग्नीलियम, तो मैग्नी का मैग्नीशियम, एलियम का क्या एल्यूमिनियम, तो इस प्रकार मैग्नीलियम बन गया। इसमें इस बार हम क्यूमिन का तड़का लगा दिए, तो तड़का वर्ड क्यूमिन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि प्रेशर कुकर ड्यूरेल्यूमिन से बनता है, और हम उसमें क्यूमिन का तड़का लगा दिए। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में क्यूमिन यानी जीरा, तो क्यूमिन का तड़का लगा दिए कॉपर और मैग्नीज, तो इस प्रकार बन गया ड्यूरेल्यूमिन। इज इट क्लियर? नाउ फोकस ऑन एलनिको। तो इन जनरली स्टील जो होती है कार्बन, आयरन प्लस कार्बन का होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज बिलो 2% होता है ना, तो स्टील जो है ये इससे मिलके बना होता है। एलिनिको की बात होती है, जो पावरफुल मैग्नेट या चुंबक बनाए जाते हैं ना, ये एलिनिको से बनाए जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, मैग्नेट वर्ड जैसे ही कह दिया तो उसमें तो लोहा का होना कंपलसरी है, क्योंकि मैग्नेट भी अल्टीमेटली है तो लोहा का ही फॉर्म। ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो यहां पर बात करते एलिनिको, तो एल से एल्युमिनियम, नी से क्या निकल, को से क्या कोबाल्ट, एलिनिको बन गया। ये 50% तो बचा हुआ 50% क्या हो गया स्टील हो गया। इज इट डन? नाउ फोकस ऑन दिस ना ई क्रोम।
तो ना से क्या निकल, आयरन से आयरन, तो ई वर्ड याद रख लेना, तो एफ ई लोहा आयरन। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमियम, क्रो से क्रोमियम, मा से मैग्नीज, ठीक है। इस प्रकार आप देखते हैं कि हाँ कौन सा, ये एमएन ही तो है, हाँ मैग्नीज है, ठीक है मैग्नीज ही है ये। तो इस प्रकार हम देखेंगे, ठीक है मैग्नीज, तो आप बात करते हैं ना इक्रोम में, तो निकल आयरन क्रोमियम और मैग्नीज होता है, ये मेजरली मेजर इंग्रेडिएंट हैं। थोड़े बहुत क्या है दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात ये याद रखना, और आपको यही प्रश्न पूछा भी गया है। अब ऊपर से नीचे आप देखिए, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछिए। इधर हमने किया था 9 क्या है 5 14 है ना, 14 3 17 17 2 19 मोटा मोटा 20, ठीक है। इस प्रकार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ एलॉयस है, ठीक है क्लियर हुआ। एलॉयस के में इतना ही करेंगे, आप व्यापम हो, पीएससी हो, वनडे पेपर हो, सबके सब फंस जाएंगे यहां पे, ठीक है। 99% में एश्योरेंस दे सकता हूं, 1-8% कभी इधर उधर की चीजें पूछ देगी तो भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि आप सभी इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपको मालूम हो गया। एक बार बिना देखे इसे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि बार बार इसे इसी सीक्वेंस में लिखना है ना, अदरवाइज क्या होगा, ये कंफ्यूजिंग पेयर्स हो जाएगा आपके लिए।